अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद अली नासिर। व्यूवर्स, आज मैं आपको एक ऐसी माजूर खातून के साथ मुलाकात करवाऊंगा जो उन लोगों की खिदमत कर रही हैं जिनका कोई भी नहीं पूछता। ख़ुद भी वो डिसेबल हैं और डिसेबल लोगों की ये फीस सबीलिल्लाह शादियाँ करवाती हैं। कैसे करवा रही है, इन तक कैसे रब्ता किया जा सकता है और अब तक उन्होंने कितनी शादियां करवाई हैं। और जो चीज़ हम सुनते आ रहे हैं कि जो डिसेबल पर्सन शादियां करवाते हैं उनके बच्चे आगे से डिसेबल होते हैं, शायद कुछ पेरेंट्स इस वजह से भी अपने बच्चों उन बच्चों की शादियां नहीं कराते। इसके ऊपर भी उनसे गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं जी? अल्लाह के करम, अल्लाह का शुक्र। तो आप फीस बिल्ला मज़ूर लोगों की शादियाँ करवाती हैं, ये ख्याल आपके दिल में कैसे आया और अब तक आपने कितनी शादियाँ करवा दी हुई हैं मज़ूर लोगों की? देखें, हमारी एनजीओ ने ये काम माशाल्लाह 95 से ही स्टार्ट किया हुआ है और ये बहुत बड़ा एक काम है जो मेरी टीम, मैं समझती हूँ कि कार्य खैर है जिसे अंजाम दे रही है। और इस कार्य खैर का तरीक़ेकार कुछ इस तरह का है कि हम लोग, क्योंकि हम पढ़े भी डिसेबल्ड स्कूल में और जो सारे हमारी वर्किंग थी, हमारी पहली जो हमारी एक के अंजुमन स्टार्ट हुई वो भी डिसेबल्ड पर्सन ऑर्गेनाइजेशन थी, यानी ओल्ड स्टूडेंट जो है हमने एसोसिएशन वो डेवलप की थी। और उससे पहले अगर हम देखें तो स्कूल में ही हमने एक एक रुपया हफ्ता का लेकर और वो अंजुमन इमदाद बामी बनाई थी, तो ये सिलसिला हमारी तरबियत का हिस्सा बन गया था। लेकिन बाद में एक चीज़ देखने में आई कि हमारे जो डिसेबल्ड बच्चियां और बच्चे हैं उनके साथ लोग शादी में एतराज़ करते थे और एतराज़ की वजह ये थी कि इनके जो बीमारी है ये औलाद में भी चली जाएगी या इनके बच्चे भी डिसेबल्ड होंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बड़ी खुशी से और फख्र से कहती हूँ कि हमारे तमाम डिसेबल्ड साथी जिनकी शादियाँ हुई हैं, चाहे वो नॉन डिसेबल्ड से हुई हैं या डिसेबल्ड पर्सन से हुई हैं, उनमें किसी का बच्चा भी डिसेबल्ड नहीं है। अच्छा, और ये बहुत बड़ी बात है, अल्लाह पाक की करम नवाजी है कि आज तक हमें, जबकि हम लोग इस खौफ में मुब्तला रहते हैं, हम जैसे मैं देखूं कि मैं मुझे गर्दन तोड़ बुखार और टाइफाइड से पोलियो हुआ, वहाँ तक पहुँची, तो मुझे जब भी बच्चे को बुखार होता था मैं डर जाती थी कि खुदा ना खास्ता इससे कुछ हो तो नहीं जाएगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तमाम साथियों में से किसी का भी बच्चा डिसेबल्ड नहीं है। ये अचीवमेंट है हमारी कि इस वक्त तक तकरीबन हम 40-50 से ज़्यादा शादियां करवा चुके हैं। अच्छा। जिनमें मैक्सिमम शादियां हमने डिसेबल के डिसेबल से करवाई हैं। डिसेबल के डिसेबल, कोई बच्चा माजूर नहीं है? नहीं। अच्छा, तो आपकी शादी हुई है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा बेटा है। अच्छा। और वो अब आईकॉम में है माशाल्लाह। ठीक है, बिल्कुल ठीक जी, बिल्कुल नॉन डिसेबल्ड है और कदावर है माशाल्लाह, सेहत याब है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे कुछ लोगों को ये गलतफहमी होती है कि डिसेबल्ड पर्सन की शादियां करवाएंगे तो ये शादियां कामयाब नहीं होंगी, तो मुझे ये बताएं कि नॉन डिसेबल्ड पर्सन की कितनी शादियाँ कामयाब हो रही हैं? क्या कोई दावा कर सकता है कि एक नॉन डिसेबल्ड पर्सन की कभी तलाक नहीं हुई या उनके वो कभी हस्बैंड की या वाइफ की डेथ नहीं हुई? कोई ऐसे मामला, ये नेचुरल चीज़ें हैं, फितरी मामलात हैं, ये होते हैं। लेकिन एक नॉन डिसेबल को ये कह कर के तुम कामयाब नहीं होगे, उसको उसकी जो बुनियादी हकूक़ हैं उनसे क्यों रोका जाता है? ये गलत है। ऐसे तो जब डिसेबल पर्सन की शादियाँ होती हैं तो घर के अंदर आपने कोई उनको मसले मसाइल देखे हो? एक बहुत मुश्किल मरहला हमारे सामने आता है शादियाँ करवाते हुए, और वो मरहला ये है कि एक डिसेबल पर्सन की माँ भी ये नहीं चाहती कि मेरी बहू डिसेबल आए, और उसकी रीज़न ये होती है ये खाने कैसे पकाएगी, ये घर के काम कैसे करेगी, कपड़े कैसे धोएगी, फैला के कैसे आएगी, सीढ़ियाँ कैसे चढ़ेगी। ठीक है कि लेकिन एक अहम चीज़ ये है कि डिसेबिलिटी जेंडरलेस है, कभी भी किसी को भी किसी भी उम्र में हो सकती है। तो क्या आप ये चैलेंज लेकर बैठे हैं कि आप या मैं कभी डिसेबल नहीं होंगे? कोई लेकर नहीं बैठा हुआ। डिसेबिलिटी कभी भी आ सकती है, किसी भी वक्त किसी को भी आ सकती है, किसी भी हाल में आ सकती है, तो ये बड़ी बातें नहीं हैं। आप उस हाल में पहुंच गए तो आप क्या करेंगे? बिल्कुल। तो क्या कोई आपको छोड़ देगा या आपको अपने घर में नहीं रखेगा या बसाएगा नहीं? ऐसा नहीं है। लेकिन ये मैंने ये वाकया भी देखा, बहुत मुश्किल वक्त ये होता है कि ससुराल वाले उसकी डिसेबिलिटी को कबूल नहीं करते, एक्सेप्ट नहीं करते, और ये कोशिश करते हैं कि हम इसे ये जितलाएं कि देखा हम पहले ही कहते थे तो ये नहीं कर सके, ये नहीं होना चाहिए। हम उन्हें ये बताते हैं कि देखें ये वाला वक्त किसी पर भी आ सकता है, लेकिन अगर आपने एक्सेप्ट उस वक्त कर लिया था शादी के वक्त, चाहे किसी भी मरहले पर
पर आकर किया, किसी भी वजह से किया, आपने एक्सेप्ट किया, तो अब एक्सेप्ट करने में क्या इतराज़ है? अब उसको उसकी ज़िंदगी गुजारने में ताने तशनगी और इन चीज़ों का सामना क्यों करना पड़ रहा है? तो अगर किसी ने आपसे रابطہ करना हो तो कैसे रابطہ कर सकता है ये फीसबिलिल्ला शादी के लिए, ये भी थोड़ा सा प्रोसीजर बता दें जी। हमारी वॉइस सोसाइटी का फेसबुक भी है और वॉइस सोसाइटी की हमारी वेबसाइट भी है, जिस पर हमारे प्रेसिडेंट से लेकर हमारे तमाम अहदेदारान एग्जीक्यूटिव्स मौजूद होते हैं। किसी से भी आप रابطہ कर सकते हैं, बेहतर होगा कि आप बेशक हमारे प्रेसिडेंट से या मुझसे رابطہ कर लें तो हम लोग उसी वक्त आपको एंगेज कर लेंगे अपने काम के लिए। और जो हमारा ग्रुप बना हुआ है डिसेबल्ड पर्संस की शादी के हवाले से, हम उसमें ऐड कर लेंगे, लेकिन उसके कुछ ज़ाब्ता इखलाक हैं वो उन्हें ज़रा फॉलो करने पड़ेंगे। तब तक कितनी शादियां आपने करवा दी हुई हैं? माशाल्लाह 40-50 से ज़्यादा, बल्कि शायद इससे भी ज़्यादा हैं गिनती में। इवन दो कि यही नहीं, हम ये भी करते हैं कि अगर कोई डिसेबल बच्ची यतीम है या बहुत पुअर फैमिली से है या बच्चा पुअर फैमिली से, तो हम लोग ख़ुद अरेंज करके उनकी शादी ऑर्गेनाइज़ कर देते हैं। देखें, ये चीज़ बहसियत वुमेन में भी समझती हूँ और हमने ये चीज़ अक्सर अपने माशरे में भी देखी है कि एक डिसेबल पर्सनस की ख्वाहिशात को और उसके फितरी रवैयों को दबाने की कोशिश की जाती है और उसे कहा जाता है कि तुम तो इस काम के लिए पैदा ही नहीं हुए। ऐसा नहीं है, हर इंसान का हक है कि वो अपनी फैमिली बनाए, अपने बच्चों को पाले, अपनी ख्वाहिशात को परवान चढ़ाए और उन तमाम चीज़ों के साथ जैसे बाकी लोग अपनी फैमिलीज के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं वो भी गुजारे। ये एक फितरी जज्बा है, अगर ऐसा नहीं हो पाता तो वो अपने बाकी बहन भाइयों को देख कर, उनकी फैमिलीज को देख कर हर्ट होता है, डिस्टर्ब होता है, डिप्रेशन का शिकार होता है, साइकोलॉजिकली बहुत से इश्यूज आ जाते हैं उसमें, जिसे बाद में कहा जाता है ये बदतमीज़ हो गया है, बदजबान हो गया है, या फिर इसको कंट्रोल नहीं रहा अपने ऊपर। ऐसा नहीं है, ये तमाम चीज़ें तब पैदा होती हैं जब उसको निगलेक्ट किया जाता है, उसकी पितरी ख्वाहिशात को दबाने की कोशिश की जाती है। तो मेरी प्लीज़ ये गुजारिश भी है हमारे उन फैमिलीज़ के पेरेंट्स से जहाँ पर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ मौजूद हैं कि अपने बच्चों के हकूक़ को समझें। और आप अपनी ज़िंदगी को अपनी मर्जी से गुजार चुके हैं, आपने अपनी बीवी के साथ, अपने बच्चों के साथ अपनी मर्जी के वक्त गुजारा है, तो उन्हें भी मौका दें जब वो कह रहे हैं कि हमें एक्सेप्ट करने वाला मौजूद है या करने वाली मौजूद है, तो प्लीज़ थोड़ा सा स्पेस दें, उनके रिश्ते करवाएं, उनकी शादियां करवाएं। जब सपोर्ट करने की बात आती है तो हम खाली वजीफ़ों में या रोटी देने में सपोर्ट क्यों करते हैं, उनकी फैमिलीज़ को सपोर्ट क्यों नहीं करते? तो बहुत ज़रूरी है कि उनकी फैमिलीज़ को सपोर्ट किया जाए, उनको उनकी ज़िंदगी का वो हक दिया जाए जिसमें सिर्फ कपड़े पहनना, खाना और सोना शामिल ना हो, बल्कि उनकी ज़िंदगी की हर फितरी जो ज़रूरत है उसको पूरा किया जाए। आपका मतलब ये भी है ना कि इंसान को साथी की, दूसरे साथी की भी ज़रूरत होती है, ये कुदरती अमल है? ये कुदरत मैंने कहा नहीं, फितरी अमल है, यानी ये जज्बा ज़रूरी तो नहीं कि आप में है और बाकी डिसेबल्ड पर्सन में नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? अल्लाह पाक ने सबको बराबर बनाया है और जब बनाया है तो ये उनका राइट है कि उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक उन्हें ज़िंदगी गुजारने दी जाए।